के सभी लोग वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग खेलने चलने वाले हैं कनेक्ट में, आपको बताने वाला हूं कि किस चीज का अरे कौन बात है, मैं बताऊंगा कितने दिनों से वीडियो क्यों नहीं आ रही थी। तो मैं गया हुआ था कहीं, तो मैं कहीं तो नहीं, तीन जगह गया था मैं, मेरठ, दिल्ली और मसूरी। मेरठ दिल्ली का तो पता नहीं, लेकिन मसूरी का एक शॉर्ट ब्लॉग कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगा, तो कभी देख लिया देख लेना। तो कलेक्शन के बाद मसूरी नहीं है मेरे पास, मैं लेवल दिखाऊँ तो अभी 40 लेवल है मेरी, और मैं स्कोर तो पेट तो मेरे पास तीन ही पेट है, ज़्यादा कोई खास पेट है नहीं। मेरे पास बस एक ये जिसका नाम मैं रखा है डुबरे को, और एक और उसका नाम है पोलन बब्बू, और एक नाम है गोलूराम। मैं अपने डुबरे को अपने पास रखता हूँ हमेशा। कैरेक्टर के नाम पे मेरे पास थोड़े बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी अभी कम ही है, क्योंकि इतने सारे अभी अनलॉक नहीं है मेरे पास। तो मेरे पास जो कैरेक्टर्स के बनता है वो मेरे पास है। पहले तो मेरे पास एक और कैरेक्टर का बनता है, हाथों को पहना के लेकिन एक बात है कि मैंने म्यूजिक बंद करो बस, अभी बहुत करो किल नोटिफिकेशन हो जाएगी। हाँ तो मेरे पास और किसके मतलब है, ये जो नया कैरेक्टर है मतलब कैरेक्टर का एलाइट वर्जन है, मैं नाम भूल गया इसका, तो बंडल एलाइट किया है मैंने, तो उसका सबको मेरे पास बंडल है ही है, क्योंकि एलाइट करने में मिल ही जाता है। कहाँ गया भाई, कहाँ गया, मुझे चश्मे नहीं पहना देता हूँ, चश्मे नहीं मेरे पास, ये पहना दिया इसको, देखो ये ही है। और मेरे पास बंडल है तो हयातो का है, वो भी एलाइट वाला ही है वैसे कहूँ तो, मेरा नहीं है हयातो का है, किरोनो का तो नहीं है अभी तक, ट्रस्ट मी किरोनो तो हयातो किरोनो का है तो का है मेरा, इसका ये वाला बंडल है मेरे पास पूरा। और मेरे पास ये इसको मैं अभी एलाइट कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे को गोल्ड चाहिए, मेरे पास गोल्ड की बहुत कमी है, अगर मैं गोल्ड इसको एलाइट कर दूँ तो फिर मेरे को गोल्ड मेरे को किला भी है ये भी है, और एक और मैंने इसको एलाइट कर रखा है कहाँ गया, वो लंबे बाल वाला कैरेक्टर क्या, मेरे को किसी ज़्यादातर किसी कैरेक्टर का नाम नहीं पता है भैया, एक तो मेरे को मिलता नहीं है यार कोई कैरेक्टर यार ढूंढने पे, वेयर 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 कहाँ है यहाँ, इसका एलाइट नंबर भी मेरे पास है, इसका पूरा वो बंडल तो होगा ही मेरे पास। तो बंडल तो मेरे पास कैरेक्टर्स की यही है। तब मैं वेपन कलेक्शन दिखाता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, अरे हाँ यहाँ पे दिखाता हूँ, मेरे पास इतनी सिंस परमानेंट है, लोग बहुत बहुत ज़्यादा ही होती हैं, लेकिन मेरे पास ज़्यादा भी कुछ खास नहीं है। तो पहली स्किल आती है M4A1 की, जो मेरे पास एक ही है वो है ये। फिर आती है AK-47 की, जिसमें मेरे पास चार स्किन है, मतलब है तीन स्किन, एक दिन के लिए है, तो ये स्किन है मेरे पास इसकी। और फिर आती है M40, जिसकी मेरे पास एक ही स्किन है वाली, ग्रोजा की दो स्किन है मेरे पास, मैं ये वाली एक्विप करके रखता हूँ हमेशा। ये इसका हाँ XMB की मेरे पास एक ही स्किन है, और ये M94 की ये भी एक ही स्किन है, वो भी पैसों के लिए, पैसों के लिए प्लाज्मा गन की मेरे पास एक स्किन है परमानेंट,
ओके मेरे पास एक ये है, वो था ये इंक्यूबेटर पैराफल की, मेरे पास एक है वो भी पैसों के टाइप के लिए है। एक टीचर की भी है मेरे पास, लेकिन मैंने इक्विप नहीं कर रखी, पता नहीं क्यों, वो भी टाइप के लिए है। और यहाँ पे मेरे पास एस के एस की है, हाँ ये एस के एस की है, एस के एस की एक है परमानेंट है। और ये एस सी ए टी ये एक ये, तो और मशीन गन मेरे पास किसी की भी चीज़ नहीं है। और ये एस एम जी गन मेरे पास ये फिर दो है, ये कंपनी मुझे नहीं पता, मैं ये वाले कुक करके ज़्यादा चल रही है। इसमें मेरे पास दो है इसकी, लेकिन ये ज़्यादा सही लगती है तो मैं इसका कुक कर रखता हूँ। मेरे पास ये भी है वी एस एस की वी एक्स एन है ये वाली। और ये पी टाइप टी की तो मेरे पास एक ही परमानेंट स्किन है, बाकी दो मेरे पास टाइप के लिए है। और जैसा कि मेरे पास दो परमानेंट स्किन है, ये मिला था मेरे को, पता ही होगा ये कौन सी स्किन है, तो कमेंट में बताना ये कहाँ से मिली होगी मेरे को स्किन। और ये तो मेरे को वहाँ पे मिली थी लॉग इन रिवॉर्ड पे। शॉर्ट गन में दिखाऊँ तो मेरे पास एक ये है, इसको मैं पता नहीं भूल गया इसको क्या कहते हैं, इस पास की एक स्किन है, ये दो स्किन आएगी। चार्ज मिस्टर किया ये वेपन वाल लिया था मैंने, स्नाइपर मेरे पास ए डब्ल्यू एम की ये है, ये भी इंक्यूबेटर था। और कार की मेरे पास दो स्किन है, मैं ये वाली मम्मी वाली वेपन रहता हूँ। पिस्टल में मेरे पास एक इसकी एक परमानेंट स्किन है और एक यू जी की है परमानेंट स्किन, बाकी और किसी की नहीं है। यूज में मेरे पास तवे की मेरे पास पाँच पाँच परमानेंट स्किन है। और परांग में मेरे पास दो परमानेंट स्किन है। बैट में मेरे पास पांच परमानेंट स्किन है। कटाने में जीरो है। सकाई की एक है। और ये भी आपको पता होगा ये कहाँ से मिली है, तो इसके भी कमेंट करना है कहाँ से मिली है। फिश तो है कि मेरे पास कभी आई की भी नहीं है। ग्रेनेड मेरे पास इसके चार है, और ये चार पहले तो ये मेरे को अभी मिल गया है, ये मेरे को बहुत पहले मिला था, ये मेरे को उससे बहुत ज़्यादा पहले मिला था, और ये बहुत ज़्यादा ही पहले मिला था, तो मैं इसका कंपेयर करता हूँ। कि मेरे पास एक ही ग्लू वॉल है, ये मेरे को थोड़े दिन पहले ही मिली थी, अदर से मेरे पास किसी भी मिली। तो ये मेरे पास परमानेंट, ये मेरे पास स्किन्स है। गाड़ी मेरे पास ज़्यादा कुछ गाड़ी की स्किन्स है नहीं। अब मैं वॉलेट में दिखाऊँ तो मेरे पास एक्ट्रेस के बंडल के, यहाँ से इस बंडल का मेरे पास शूज़ नहीं है और शर्ट नहीं है, बाकी शूज़ के लिए बस मेरे को एक बर्टी टोकन और चाहिए, मेरे को शूज़ मिल जाएंगे। देखो दिखाओ एक और चाहिए, और एक्सचेंज करने पे जाऊँ तो बस यहाँ पे एक और चाहिए बस मुझे, और यहाँ पे ये करेंगे। तो गाइस एक्सपीरियंस कार्ड है और गोल्ड कार्ड है 50% का, तीन चार दिन का। तो यहाँ पे इसका तो मेरे पास कुछ खास बंडल भी नहीं है, तो इसका तो मेरे पास ये बंडल होता ही नहीं है। ये बंडल है एक मेरे पास, ये दिखा रहा हूँ, एक ये बंडल है मेरे पास, ये इसका बस मेरे पास एक ये है और यही है बस। और ये बंडल है एक मेरे पास, यह देखने में ये बंडल है मेरे पास, यहाँ से देखने में एक ये बंडल भी है मेरे पास, तो गोल्ड रॉयल था पिछली, ये वाला भी गोल्ड रॉयल ही था। ये बंडल तो सभी को पता ही होगा, ये क्यों बोल रहा इतनी बार पता नहीं, ये मेरे पास टोपी है इसकी परमानेंट। ये बंडल भी पता ही होगा सबको कहाँ से मिला है, हरी हाँ ये भी मेरे को वहीं से मिला था, जो भी कहते हैं उसे लॉग इन रिवॉर्ड से। एक ये नाइट क्लाउन बंडल है मेरे पास, ये तो दिखा ही दिया, ये भी दिखा दिया। एक ये बंडल है जो मैंने आते ही पहन रखा था, ये मुझे नहीं पता कहाँ से मिला मुझे, अपने आप ही मेरे को वॉलेट में पड़ा हुआ मिल गया। ये तो वही है, ये भी वही है। इसके बाद मेरे पास चप्पल है और इसकी वो है, इसका तो कोई बंडल ही नहीं है। एक ये बंडल है मेरे पास, और फेस प्रिंट्स मेरे पास बस लड़के का एक ही है, कि लड़की की है सब, तो बाकी अब यहाँ पे क्या ही होगा। इतने बंडल्स हैं मेरे पास, रिमोट मेरे पास बस एक चार दिन के लिए बचा है बस ये वाला, बाकी मेरे पास इतने रिमोट्स हैं, ये मेरे पास एक भी नहीं है एनिमेशन, और ये भी नहीं है मेरे पास। और अगर मैं कलेक्शन में जाऊँ तो मेरे पास बैग की इतनी है सात,
लूट बॉक्स भी 8 है, सूची भी 7 है, ये एक भी नहीं है, इसकी 10 है, देख रही होगी। मेरे को ये जस्टिन बीबर वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं इसको इक्विप करके रखता हूँ। वही कल दिखा दिया मैंने आपको, यहाँ पे प्रोफाइल में मेरे पास 48 ये है दुनिया भर के, और बहुत सारी होती है बैनर। एक ओवर वाला बैनर मैंने गलती से लिया था ग्लू वॉल समझ के, डायमंड खर्च कर दिए थे मैंने थोड़े बहुत, 48 डायमंड मैंने खर्च कर दिए थे गलती से इसके ऊपर, मुझे तो लगा ये ग्लू वाला है, देखा तो ये तो डायमंड का बैनर। अब म्यूजिक तो ये दिख ही रहा है आपको, म्यूजिक तो मेरे को जब जहाँ होता है वही लगा के देखता हूँ मैं तो, और ये 10 दिखा दिए थे मैंने आपको। ये पता नहीं बहुत पहले का ये पड़ा है मेरे पास, ब्लू प्रिंट 2 स्टोन्स पड़े हैं, इसका मेरे को आज तक कभी काम समझ में नहीं आया। ये 10x24, ये यूनिवर्सल फ्रेगमेंट है, नेम चेंज कार्ड है, ये डिस्काउंट 2%। मैं कभी इतने डायमंड्स आए ही नहीं है भाई जो मैं ये डिस्काउंट कूपन को इस्तेमाल कर पाऊँ। ये है मेरे पास, ये तो मैं रैंक टोकन से तो मैं चीज़ें खरीद लेता हूँ, जैसे मेरे पास है इससे भी मैं खरीद ही लेता हूँ, जैसे 50 रुपये गिल टोकन मेरे पास इतने हैं, ये को तो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ये वाउचर्स को, तो जैसे बंडल मिल जाए मुझे। और ये दिखाई दिए मैंने बड़ी टोकन्स, और ये तो बहुत पहले के हैं, इसका कुछ काम नहीं है फिलहाल को, तो ये मैंने यहाँ की कलेक्शन में ये तो नहीं काम करना। हाँ तो और क्या दिखा रहा है ये कुछ, चलो भाई भैया पास में दिखा देते हैं। मैं अभी तक कितनी ही लेवल तक, 42 लेवल तक पहुँच पाया हूँ मैं अभी तक तो। और ये पेट के नोट, ये मेरे नोट, ये इमोट मेरे को डायमंड का मिला था एक उस पर, और जो मेरा वो वाला बंडल मैंने दिखाया वो येलो वाला दिखाता हूँ, ये वाला बंडल जो मैंने दिखाया था, ये बंडल मेरे को पहले मिला था एक स्पिन से, इस तरीके जो लकी स्पिन होता है इस तरीके वाला, मेरे को वहाँ से ये बंडल मिला था सिर्फ और सिर्फ 9 डायमंड में। और अब ये बंडल का पता नहीं यार कितने डायमंड मिल रहा है। ट्रेंड पे चलते हैं, यहाँ पे कभी कितने का तो मिल रहा है वो मेरे को नहीं पता कितने को मिल रहा है। तो अगर मैं रैंक दिखाऊँ तो मैं अभी बीआर की बढ़ाना चाह रहा हूँ, अभी बीआर की मेरी गोल्ड 3 हुई है और इसकी प्लेटिनम 2 ही है। मेरे को यह चाहिए था पहले, लेकिन मुझे पता चला कि इसके लिए मेरे को हीरो चाहिए होगा, जो आई डोंट थिंक मैं कभी कर पाऊँगा। और ये मेरे पास सीज़न के लिए मेरे पास ये है, मैं एक्सपीरियंस कार्ड ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ, ये तो सोल्ड आउट हो चुके हैं, भले मैंने ले लिए हैं। और क्या दिखा सकता हूँ, ये तो यही है, यहाँ तक पता नहीं कौन कौन कितने ही बंदे पहुँच पाए होंगे इस जगह तक तो। ये इमोट कितने तक उन्होंने ले लिया होगा, लिस्ट तो मेरी ये सब है दुनिया भर की बर्रा। अरे ये मेरा अभी भी है नूबड़ा अभी भी है ये मेरा दोस्त है जितना भी करी है। मेरे को ये वाला ये कुमारे वाला पीछे बड़ा अच्छा लगा है, मेरे को पता तो चला कि ये पैटर्न से पीछे खड़ा होता, मुझे लगा हमारे पड़ोस में खड़ा होता ही है। ऐसे यार मैंने परछाई पे कभी इतना ध्यान दिया नहीं है, तो मेरी कलेक्शन तो अभी फिलहाल को बस इतनी ही है। कभी मैं एच डी वी आर या फिर वो क्या नाम था उसका के भाई साहब के साथ वीडियो भी डालूँगा इस गेम में, तो उस वीडियो को भी इंतज़ार करता। तो वीडियो ख़त्म होने से पहले लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और भी बहुत कुछ कीजिए जो कंट्रोल होता कर दीजिए। व्यूज़ हो सकते हैं लाइक एम क्या ही रखते हैं, तो ये होता तो खैर नहीं, उसके लिए 2 लाइक तो आते हैं वीडियो पे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।